गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास का हमारा जो फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, रीडिंग करने के बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कराए थे, उसकी बुक वर्क फिल करा दिए थे कंप्लीट, और जो ये था आपका डी सेक्शन, मैंने क्वेश्चन कराए थे उसके, और मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ से देखकर अपनी नोटबुक में नोट करनी है। आई होप आप सबने अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। और जो फन टाइम था इसको भी मैंने फिल करा दिया था, फन टाइम का ए सेक्शन। अब फन टाइम का हम बी सेक्शन करेंगे, पजल टाइम। ठीक है, पजल टाइम में क्या करना है आपको, ये आपके अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, यहाँ से हमें सर्च करने हैं, सर्च द नेम्स ऑफ स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ मैंने आपको बताई थी ना कौन सी होती हैं, ये स्पेशल कीज़ हैं, डिलीट्स, बैक स्पेस, ओल्ट, जो हमारी अल्फ़ाबेट और नंबर से अलग होती हैं वो क्या होती हैं, स्पेशल कीज़। कीज़ कितने टाइप की होती हैं कीबोर्ड के अंदर, थ्री टाइप्स की, एक होती है हमारी नंबर की, एक होती है हमारी अल्फ़ाबेट की, और थर्ड होती है हमारी स्पेशल की। ठीक है, तो स्पेशल की हमें यहाँ से ढूंढनी है कि स्पेशल की कौन कौन सी है यहाँ पर। सर्च द नेम्स ऑफ स्पेशल कीज़ इन द पजल गिवन बिलो। ठीक है, ये जो पजल दिया हुआ है यहाँ से देखना है आपको, एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइड बिसाइड। ठीक है, यहाँ पे जो साइड में आपको स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे हमें इनके नेम लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम ढूंढते हैं, ढूंढना स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ नेम, यहाँ से देखिए शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है, SHIFT, शिफ्ट क्या स्टार्ट हो रहा है, शिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्ट की होती है हमारी स्पेशल की, यहाँ से हम शिफ्ट पे सर्कल बनाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे हम, शिफ्ट, SHIFT क्या है यहाँ पे, शिफ्ट फर्स्ट की हमें मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट हम इस लाइन में ढूंढेंगे, इस लाइन में हमें कुछ भी नहीं बन रही है, तो इधर से देखिए यहाँ से एरो दिखाई देगी आपको, ARROWKEYS, एरो कीज़। ठीक है, सेकंड में हम क्या फिल करेंगे, एरो कीज़, ARROW एरो KEYS, एरो कीज़। ठीक है, ARROW एरो KEYS कीज़। उसके बाद थर्ड हम ढूंढेंगे, हमें ऊपर वाली लाइन में देख लिया था कुछ नहीं था, KEANO यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं है, यहाँ से देखेंगे STCJMKO यहाँ पर भी कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको ये स्टार्ट होगी डिलीट, DELETE, यहाँ पे क्या मिल गई हमें, डिलीट की, DELETE। ठीक है, क्या मिल गई, डिलीट। उसके बाद देखिए यहाँ से देखो ये आपको क्या दिख रहा है, एक स्पेस बार। ठीक है, ये दिख रहा है ना, SPACEBAR क्या बन गया, स्पेस बार, SPACEBAR स्पेस बार। ठीक है, उसके बाद और हम ढूंढते हैं कहीं पे, ये देखिए यहाँ पे बैक स्पेस होती है ना, BACK बैक, SPACE। ठीक है, बैक स्पेस जिससे हम इरेज करते हैं वर्ड्स को, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, बैक स्पेस हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसके साइड में है, BACK बैक, SPACE बैक स्पेस हो गया। अब हमें ढूंढना है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एंटर की, एंटर की होती है ना जिससे हम एंटर करते हैं, नीचे वाली लाइन में जाते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ENTER एंटर की। ठीक है, अब उसके बाद आपकी यहाँ पे सिक्स कीज़ ही दी हुई हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, तो इसमें हम सिक्स ही फिल करेंगे, सिक्स ही यहाँ पे हम फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये सेक्शन रह गया था कल, आपको आज उसको फिल करना है, जो फोर्थ चैप्टर का था ये वाला सेक्शन जो भी कराया है मैंने पजल टाइम, ठीक है, बी सेक्शन फन टाइम का, वो आप फिल कर लोगे। अब उसके बाद मैं आपको फिफ्थ चैप्टर की रीडिंग कराती हूँ जिसका नेम है वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, वी हैव लर्नड सो मैनी थिंग अबाउट द कंप्यूटर एंड इट्स बेनिफिट्स इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था आपके प्रीवियस चैप्टर्स में कि कंप्यूटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हमने पढ़े थे जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, और उसकी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। बट हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो काम कैसे करता है, हाउ डज कंप्यूटर गिव अस
द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स. डू यू वांट टू नो ऑल दिस? कंप्यूटर होता है वो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब का सॉल्यूशन कैसे देता है, क्या आप उसको जानना चाहोगे? ठीक है, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है, यहाँ से अब हम स्टार्ट कराते हैं, चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं. इसमें वी नो दैट कंप्यूटर नीड्स अवर इंस्ट्रक्शन टू वर्क एज इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. ये आप सबको पता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ पहले भी, कंप्यूटर कभी भी खुद से काम नहीं कर सकता, उसको हमारी इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, होमवर्क कराती हूँ आपको, तब आप कर पाते हो या आपके पेरेंट्स आपको कराते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए पता नहीं है कि उसको वर्क कैसे करना है, क्योंकि आपको खुद से पता ही नहीं चलेगा. हम आपको सिखाएंगे, आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे, तब आप सीख पाओगे. तो ऐसे ही कंप्यूटर हैं, वो भी खुद से वर्क नहीं करता, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं हमारी. ठीक है, तो टू गेट अवर वर्क डन, अपना काम हमें कराने के लिए वी गिव अवर प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स लेटर्स एक्सेट्रा. अगर हमें अपना काम कराना है तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को जो हमें काम कराना है, जैसे हमें सम्स करानी है कंप्यूटर से, कैलकुलेटिंग करानी है हमें, ठीक है, तो हम क्या उसके अंदर डालते हैं, नंबर डालते हैं. अगर आपको जैसे ये पूरा पेज प्रिंट करवाना है या फिर है ना, जैसे कि अब ये पेज इस टाइप से बना हुआ है, उसको हम हैंड से तो लिख नहीं सकते, जैसे ये राइटिंग्स हैं, ये पिक्चर बनी हुई है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे आर्ट कर लेते हैं, बट हर कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता. कंप्यूटर में, कंप्यूटर की हेल्प से हर कोई इंसान इसको बना सकता है. हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रिंट करने के लिए हमें पेज के ऊपर इसको प्रिंट करना है, हम क्या करेंगे, लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, जो ABCD जिनको हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो ये जो नंबर्स होते हैं और अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी जो ABCD होती हैं और काउंटिंग्स होती हैं, इनको ऐड करके हम कंप्यूटर के अंदर अपने प्रॉब्लम्स को देते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो टेल द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू, कि करना क्या है उसको उन नंबर्स के साथ. ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम कंप्यूटर गिव अस द सॉल्यूशन. हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, जैसे मैंने आपको सम्स दिए, आपकी टीचर सम्स देती हैं आपको, सम करते हो आप तभी कर पाते हो ना, जब मैम आपको सम्स देती हैं कि आपको ये सम करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर आप अपनी मैम को अपनी नोटबुक चेक कराते हो. तो कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है, पहले वो प्रॉब्लम्स को लेता है हमसे, इंस्ट्रक्शन लेता है, और उसके बाद क्या करता है, वो उसका सॉल्यूशन देता है. ठीक है, आपके कंप्यूटर में आपको एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल टू गेट द सम ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, जैसे हमें सम चाहिए, सम क्या होता है, ऐड करना. ठीक है, जोड़ना उनको, प्लस करना. तो जैसे हम 5 में 6 को प्लस करेंगे तो हम क्या मिलेगा, व्हाट वी गिव 5, 6 एंड प्लस. ठीक है, यानी हम इनको ऐड कर रहे हैं, यहाँ से हमें ये लेना है. व्हाट कंप्यूटर डज, कंप्यूटर क्या करेगा, 5 और 6 को प्लस करेगा. व्हाट वी गेट, 5 और 6 को हमने प्लस किया तो हमें क्या मिलेगा, 11. तो जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, उनको उनकी कैलकुलेशन करके हमको, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी होती है, हमें इनको माइनस करना होता है, यानी 6 में से 5 को माइनस करना होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या मिलता, 1 मिलता है ना. अगर यहाँ पे 5 माइनस 6 होता तब हमें क्या मिलता, -1 मिलता. तो हमें कंप्यूटर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसको किस तरीके से निकालना है, बस हमें उसको ये बताना है कि तुम्हें ये क्वेश्चन करना है. वो अपने आप ही अपने माइंड से उसको बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको करके शो करेगा. ठीक है, उसके बाद अब आपको स्टेप दिए हुए हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखिए, वी गेव टू नंबर 5 एंड 6 टू द कंप्यूटर अलोंग विद द इंस्ट्रक्शन प्लस. अब हमने जो कंप्यूटर है उसको ये इंस्ट्रक्शन दी, 5, 6 एंड प्लस, हमने उसको इंस्ट्रक्शन ऐसे दी. ठीक है, द गिवन नंबर्स कॉल्ड डाटा, जो ये नंबर्स हैं, नंबर्स कौन से, जो जिसको हमें ऐड करवाना है, जिन्हें हमें, जिनकी हमें कैलकुलेशन करानी है, वो क्या हो गई हमारी, डाटा. ये बच्चों हमेशा याद रखना कि जो डाटा होती है, डाटा क्या होती है, डाटा होती है जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, जो वर्क हमें चाहिए होता है वो होता है हमारा इंस्ट्रक्शंस. क्या होती हैं वो हमारी इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो क्या होती है, हमारी डाटा. ठीक है, क्या होती है, डाटा. अब स्टेप टू में, कंप्यूटर एड्स द टू नंबर्स अकॉर्डिंग टू अवर इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शन के अनुसार उन दो नंबर को ऐड कर देता है. स्टेप थर्ड में, फाइनली वी गेट द रिजल्ट ऑफ अवर प्रॉब्लम. The solution which we get is called information.
डाटा क्या होती है, टू चीज़ें होती हैं याद रखनी है आपको, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी डाटा, यहाँ देखिए ये होती है एक डाटा और एक होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डाटा क्या होती है, डाटा होती है रो रिज़ल्ट यानी कच्चा रिज़ल्ट जो अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, जो हमने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी हैं यानी प्रॉब्लम्स सवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाटा जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो रिज़ल्ट हमें मिल चुका है कंप्यूटर से, यानी जो 5 और 6 थी वो क्या हो गए, डाटा, क्योंकि हमें इनकी ऐड करानी है, और 11 हमारा क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये हमारे अब रिज़ल्ट तैयार हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें इनपुट दिया हुआ है, इनपुट डिवाइस होते हैं, जो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, ठीक है। इनपुट क्या होता है, इनपुट का मतलब होता है जिस चीज़ से कंप्यूटर के जिस पार्ट से हम कंप्यूटर को अपनी डाटा देते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, वो सब क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस, इनपुट होते हैं वो। तो ये क्या है, हमारी इनपुट है, क्योंकि इनके ज़रिए हम कंप्यूटर को अपनी डाटा या इंस्ट्रक्शंस दे पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हेडिंग दी हुई है, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी गिव टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जब फर्स्ट स्टेप जो करते हैं हम, जो ये डाटा दे रहे होते हैं ना, इस स्टेप के दौरान हम कंप्यूटर के जिस पार्ट से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट, ठीक है। जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को वो क्या होती है, हमारी इनपुट, ठीक है। ये होते हैं, वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, माउस और कीबोर्ड से हम इनपुट दे पाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेसिंग, उसको हम कल करेंगे, होमवर्क में आपको करने हैं, जो मैंने आपको अभी ये चैप्टर रीड कराए हैं 5th चैप्टर वो रीड करना है, और बुक वर्क जो आज फिल कराया है वो बुक वर्क भी फिल करना है।